आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपको पता ही है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले 3 लेक्चर हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप उन 3 लेक्चर को कम्प्लीट करिए। कार्टेशियन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एप्लीकेशंस देखा था। आज हम लोग क्वाड्रिलेटर और ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर क्या होगा और ट्राइंगल क्या है, इस पर आधारित क्वेश्चंस को ट्रिक और शॉर्टकट इन सारी चीज़ों से देखेंगे। कोऑर्डिनेट एक जैसा कि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके लिए पेशेंस और कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत है। ज़्यादातर बच्चे कोऑर्डिनेट से स्केयर्ड रहते हैं, तो मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप इत्मीनान से ग्रेजुअली धीमे धीमे इसको आगे बढ़ते रहे तो कोऑर्डिनेट एक फेवरेट टॉपिक आपका होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है मुझे। और अगर लगभग आपने 1 मंथ रेगुलर स्पेस समय दिया तो मुझे लगता है कि आपका भी फेवरेट होगा, ठीक है। एक और बात, कोऑर्डिनेट्स सेक्शन को हम लोग पहले ही धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें आप अपनी ग्रेजुअली करते रहें, इसको हम लोग इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे फीडबैक में एक फीडबैक समझ में आया कि आपको प्रैक्टिस और उसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएं, तो कोशिश करते हैं कि अब क्वेश्चंस भी हम लोग दें और उनको भी सॉल्व करें साथ साथ, और लास्ट में एक्सरसाइज भी दें जिससे कि आपका होमवर्क भी हो जाए। तो अब जो भी लेक्चर आएंगे तो हम लोग उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको जो डिमांड्स थी उसका पूरा करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी, तो आज हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट और उसके साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ये एक हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक। जैसा कि बोला गया है, एडवाइस किया जा रहा है कि सबसे पहले आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, वहाँ पर कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड जो भी मुख्य इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर हैं, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेलोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हमने देखा है, आप ज़रूर उनको देख लें। और जब आप उन पर सहज होंगे तभी ये क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 6, 8, 3, 7 और -2, -2 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसिस आप पे पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम एक कोऑर्डिनेटर है, आपको बताया गया था, और उसकी कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसिस यहाँ पे दी गई हैं। पैरेलोग्राम जैसा कि बोला गया है कि आप सारे कोऑर्डिनेटर जो स्क्वायर हैं, रोम्बस हैं, रेक्टेंगल हैं, सभी को आप कोऑर्डिनेटर कंसीडर कर सकते हैं पैरेलोग्राम। बट यहाँ पे हम मान चल रहे हैं कि स्टैंडर्ड पैरेलोग्राम का मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हम लोग ए बी और सी डी को बराबर और पैरेलल मान रहे हैं और ए डी और बी सी को पैरेलल मान रहे हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसिस दी गई हैं 6, 8, 3, 7 और -2, -2। आपको चौथी वर्टाइसिस निकालनी है, बतानी है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट हमने मेथड बताया था, शॉर्टकट बताया था, उसको हम रिमाइंड कर देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। डी बराबर ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे वर्टाइसिस ए बी सी वर्टाइसिस हैं। अब ये चीज़ हम लोग, हमें डी के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई निकालने हैं, ये एक्स और वाई निकालने हैं, तो ये काम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे और यही काम वाई कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। तो पर जब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं तो एक ही जगह हम एक्स का निर्देशांक लाएंगे, जब एक्स निकालना है तो ए का एक्स 6 है, बी का एक्स तो -3 और सी का एक्स तो प्लस होगा, बट यहाँ माइनस है तो माइनस, तो 6 -5 1 आ गया। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम लोग करेंगे, आप फटाफट वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ए का वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है, इसलिए ए हुआ, तो ए मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो डी एक्स बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, और यहाँ पर डी वाई बराबर ए वाई माइनस बी वाई
प्लस सी वाई, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो 8 माइनस 7 और माइनस 2 इसलिए आया कि साइन है माइनस 2, तो माइनस 1 आ गया। क्या आ गया? तो वर्टाइसिस हमारी आ गई माइनस 1 कामा माइनस 1, यही। ओके, यहाँ पे 1 है, अपडेट कर लें तो 1 कामा माइनस 1, ठीक है। बहुत इजी था, आप सिंपली इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आप देख लें। डाउट हो तो आप कन्वर्सेशन करें, पूछें दोबारा, हम लोग बताएंगे, ठीक। एक बार फिर से अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, तो दोबारा फिर से हम लोग उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं दूसरे टर्म में। यहाँ पर हमने लिया कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर इन द सेंस आपको पता ही होगा कि वो क्वाड्रिलेटर, वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों और डायगोनल भी उसके बराबर, उसमें 3 वर्टाइसेस एंटी क्लॉक वाइज में हम लोग लेंगे। जब भी नेमिंग कन्वेंशन करते हैं, मतलब नाम देते हैं, तो हमेशा घड़ी की सुइयों के गति के विपरीत दिशा में देंगे। उसी तरीके से हमने कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस ले ली, 4, 3, 6, 4 और 5, 6। अब आपको पता है हम यहीं पर कर दे रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ए माइनस बी प्लस सी, तो एक्स वाई अगर निकालना है तो एक्स बराबर 4 - 6 + 5, 3 आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे 3 एक्स कोऑर्डिनेट 3 कहाँ पर है, इसमें है नहीं है। अब 2 का 5 बचा, वाई बराबर 3 - 4 और +6, 5 आ गया, तो ये वाला आ गया। तो यहाँ पर चौथी वर्टाइसिस आपको निकालनी होगी, तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। एक और हम यहाँ पे पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। बताया गया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रोम्बस कुछ भी हो, तो उसके डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। अगर हम इसको वेरीफाई करें, जैसे आपको पता ही हो गया कि यहाँ पर 3, 5 है, तो मिड पॉइंट फार्मूला देख लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2, एक ऐसा पॉइंट सी जो इनके बिल्कुल मिड में है, तो उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट x1 + x2 / 2 दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड एवरेज ले लेंगे। कहने का मतलब, उसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, am ऑफ x1, x2 और am ऑफ y1, y2, यानी कि मिड पॉइंट जो होता है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सिसा एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट। इस तरीके से हो सकता है कि आप ध्यान ना दे पाएँ, तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट का, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों के अर्थमेटिक मीन मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ देखें, इसका एवरेज निकालें तो 4 + 5 तो 9/2 होगा और 9/2, यहाँ से एवरेज निकालें तो देखिए कितना 9/2 और ये भी 9/2, तो यहाँ कोइंसिडेंट हो गए, मतलब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही जगह पर हो गया। तो यहाँ पे ये प्रूव किया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली। ओके, तो हमने यहाँ पे आज क्या सीखा, अभी इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि 3 वर्टाइसिस दी गई हों, चौथी वर्टाइसिस अभी शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हों, उन 2 पॉइंट्स के मिड में कोई पॉइंट्स हो तो उस मिड पॉइंट को हम लोग
जोड़ के दो से डिवाइड, जोड़ के दो से डिवाइड, एप्सिसा के साथ एप्सिसा और ऑर्डिनेट के साथ ऑर्डिनेट, ये एवरेज है ए एम है और ये भी ए एम है। ये एप्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज है और ये ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज है। इससे आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ ये सीखा कि डायगोनल जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो कोइंसिडेंट होता है, इसका मिड पॉइंट भी यहीं पर होगा, इसका भी मिड पॉइंट यहीं पर होगा। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि ट्राइंगल, ट्राइंगल एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसे कि क्वाड्रिलेटर को हमने देखा, क्वाड्रिलेटर को सेगमेंट में डिवाइड किया, इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटर्स हमने आपके सामने रखे, उनकी प्रॉपर्टीज। ऐसे ही हम लोग ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन है कि क्लोज फिगर हैविंग थ्री साइड्स। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल को दर्शाया है, फिगर आउट किया है। यहाँ पे ए बी सी, इनको एंगुलर पॉइंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में एंगुलर पॉइंट्स बोल सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में इनको वर्टाइसेस, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और जब भी दो कोई भी दो वर्टाइसेस को डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे तो वो साइड्स क्रिएट होगी। तो अगर यहाँ तीन वर्टाइसेस हैं तो तीन साइड्स हैं, तो ट्राइंगल में वर्टिसेस तीन हैं और साइड्स तीन हैं। ठीक है, इन्हीं के टर्म में हमेशा हम लोग बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और कुछ और ट्राइंगल को अभी फिगर आउट करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल लेटरल मतलब इक्वल इन द सेंस साइड्स के लेंथ के टर्म में, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी सारी का मतलब तीनों भुजाओं की लेंथ इक्वल हो, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सी, सारी भुजाएं सेम हैं, समान हैं, किसी ए या बी के बराबर हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई दो भुजाएं, एनी टू साइड्स, एनी, तो यहाँ पर हमने डबल कूट का मतलब है कि हम इसको इक्वल दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई दो भुजाएं बराबर हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में बात करें तो इसके सामने वाली, इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल बराबर होगा। एंगल बी और एंगल सी बराबर है, एंगल ए नीड नॉट बी इक्वल टू बी एंड सी। यहाँ पर भुजाओं के सामने वाले एंगल, तीनों भुजाएं तीनों साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल का मतलब है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, इसका मतलब 90 डिग्री हो, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल इसका क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पर ये हाइपोटेनिस है, ये परपेंडिकुलर है, अगर थीटा यहाँ पे बना हुआ है तो ये बेस माना गया। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में हम लोग एंगल में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल और 90 डिग्री एंगल को मीज़र किसी न किसी तरह से प्रूव कर देंगे कि 90 डिग्री है। मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में जब हम बात करते हैं तो लेंथ के टर्म में बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो ए बी है उसका वर्ग या स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर अगर प्रूव कर दिया, ये अगर रिलेशन आपने प्रूव कर दिया लेंथ डिस्टेंस के टर्म में, तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ये बात ध्यान दें। और देखिए यहाँ पर जो वर्टाइसेस इन दोनों में कॉमन है, सी वर्टाइसेस कॉमन है, तो एंगल राइट एंगल इस सी पे ही क्रिएट होगा, 90 डिग्री एट हाँ सी, ये ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, कि जो दोनों में ये कॉमन है सी और सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल जब बनाएंगे तो सी पर ही एंगल 90 डिग्री क्रिएट होगा। ठीक, ट्राइंगल के कुछ ट्राइंगल हमने अभी यहाँ पे देखे, साइड्स के टर्म में तीनों अगर साइड्स बराबर हैं तो उनको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो साइड्स बराबर हैं तो आइसोसेलेस, एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। उसके आगे जब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है, ये जानना बहुत ही आसान सी बात है, बहुत टफ नहीं है। पर कैसे प्रूव करेंगे कि एक्यूट और ऑब्ट्यूस, ये बताएंगे कैसे, कैसे जस्टिफाई करेंगे
कि एक्यूट और ऑब्टूस ट्राइंगल है कि नहीं, ये प्रूफ करना थोड़ा सा क्वाइट टफ है स्टूडेंट्स के लिए शुरुआती दौर पर। तो आज हम अब ये देखेंगे कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या एक्यूट है या ऑब्टूस। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बताया गया था कि ट्राइंगल जो आपके सामने फिगर आउट किया गया, एक एंगल 90 डिग्री बताया गया है, तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल। सारे एंगल्स, सारी वर्टाइसिस के एंगल्स, ऑल एंगल्स लेस देन 90, यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि 90 से कम है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ये इसको बोलेंगे हिंदी वाले समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये ऑब्टूस मतलब अधिक कोण। तो इसका देखिए, एक कोण, एक एंगल 90 से अधिक है, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90, तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। कोई भी एक एंगल 90 से अधिक हो गया तो अधिक कोण ऑब्टूस। सारे एंगल 90, सारे ऑल एंगल्स 90 से अगर लेस हैं तो एक्यूट, और एक एंगल 90 है तो राइट एंगल। तो तीन कैटेगरी डिवाइड की गई। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो देखते हैं। एक छोटी सी बात को हम यहाँ पे ध्यान देंगे, शायद आपको अभी रिमाइंड नहीं हो, बट हम लोगों ने पढ़ाया था, एक ट्राइंगल ABC लिया, ट्राइंगल के सामने वाली भुजाओं को वर्टाइसिस A के सामने स्मॉल a मतलब इसकी लेंथ मानी, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c साइड्स की लेंथ मानी। अगर आप कोसाइन रूल यहाँ लगाते हैं तो कोसाइन रूल, जैसे कॉस ए लगाया तो बताया गया था कि कॉस ए लगाया तो ए वाली साइड्स की लेंथ नेगेटिव में जाएगी, बाकी स्क्वायर का सम कैसा जाएगा पॉजिटिव में। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। कोसाइन रूल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी या ट्राइंगल में हमने प्रूव भी किया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग, अब हम लोग यहाँ तीनों ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे और आसानी से समझेंगे कि कैसे हुआ। बी के सामने वाली भुजा की लेंथ बी ली, सी के सामने वाली भुजा की लेंथ सी ली, और ए के सामने वाली भुजा की लेंथ ए लिया। ये दीज आर द साइड्स स्मॉल जो डिनोट की गई हैं। एंगल सी 90 डिग्री है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। अगर एंगल सी 90 है तो कॉस 90 आपको पता ही होगा कि क्या होता है, जीरो। ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगर कॉस सी लगाएं तो जैसा कि बताया गया है कि इसके सामने वाली भुजा सी है वो नेगेटिव में, बाकी सब पॉजिटिव में स्क्वायर होंगे अपॉन 2AB। कॉस सी, सी एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जीरो। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो में चला जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। पाइथागोरस जो लगाते हैं वो कोसाइन से भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हमने देखा कि ये रिलेशन होल्ड करेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये वाली वर्टाइस, ये वाली साइड्स है उसके सामने वाली यानी सी पर 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा, ठीक। इसी फार्मूले को हम लोग, इसी वाले फार्मूले कोसाइन को यहाँ पर लगाते हैं। अगेन हमने कॉस सी लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। जैसा कि यहाँ बताया है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो 90 से कम, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको रिमाइंड होगा कि ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो कॉस की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे कॉस सी भी क्या होगा, क्योंकि सारे एंगल 90 से कम है तो कॉस सी भी ग्रेटर देन जीरो। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB ग्रेटर देन जीरो, ये इधर चला गया तो क्या इम्प्लाइज करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अगर इस तरीके रिलेशन होल्ड करता है, या सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दो तरीके से आप देखें कि जो दो साइड्स हैं उन साइड के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर से बड़ा है,
तो वो एक्यूट होगा। बराबर हो गया तो राइट एंगल। और यहाँ पर अगर आप प्रूफ करेंगे तो दो स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर का सम वहाँ पे बड़ा था, बराबर यहाँ छोटा हो जाएगा सी स्क्वायर से। एक भुजा भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो देखिए ये साइड्स बढ़ गई, क्या बढ़ गई, बड़ी हो गई कि नहीं। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा साइड्स बढ़ती जाएगी। तो एक भुजा का स्क्वायर इतना ज़्यादा हो गया कि दोनों भुजाओं के स्क्वायर से बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम अभी भी तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पर क्या होगा, अब कोई भी दो भुजाएं आप देखिए तो दो भुजाओं के स्क्वायर का सम ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि तीसरी भुजा के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ सिंपल टर्म में, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर से अधिक है हमेशा, तो ये न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के बराबर स्क्वायर के बराबर है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यदि तीसरी भुजा कोई एक ऐसी भुजा है, एक साइड्स है जिसके स्क्वायर इतना ज़्यादा हो जाता है कि दो भुजाओं के रिमेनिंग जो दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के सम से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी केस में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने सीखी, आप लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिल्कुल लास्ट में जाके भी एंड तक कंप्लीट करते हैं। आपकी डिमांड्स पर, आपके ही सजेशन पे दोबारा फिर से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस फिर से देने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि ये विजुअल होंगे, आप इनको प्रॉपरली देख लीजिए और लगाइए ज़रूर, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर बोला है तो इसका मतलब वो अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग मतलब ये हमारी नज़र से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इनको इस लेक्चर के बाद इतने तो करने ही हैं, तो इतने सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं तो आप भी करिए। उसके साथ साथ आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कुछ तरीके क्वेश्चंस करने हैं। ज्योमेट्री में आपको पेशेंस रखना है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन सकता है। आगे हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, अगर कोई भी आपको लगे कि यहाँ पर लेक्चर में कुछ भी आपको लग रहा है कि डाउट है, कुछ भी आपको लगता है कि आपकी कमी रह जाती है, आप ज़रूर फीडबैक दीजिए, हम लोग उसको सुधार करेंगे। आपके फीडबैक सजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको वहाँ पे क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, आप उसको वहाँ पे रेगुलर टच में रहिए और बताते रहिए। थैंक यू, आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे।